क्वेश्चन नंबर 5, वाइफ इज पीटीसी नॉन टेस्टर। अब पहले मालूम होना चाहिए कि पीटीसी क्या है, ठीक है। पीटीसी यानी फिनाइल थायो कार्बेमाइट, ओके, फिनाइल थायो कार्बेमाइट, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिनाइल थायो कार्बेमाइड है उसका स्ट्रिप्स आता है, ठीक है। ये स्ट्रिप टंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका टेस्ट आता है ना, इसका जो टेस्ट है वो बीटर टेस्ट है, ठीक है। तो अगर इसका टेस्ट आता है तो वो पर्सन को हम बोलते हैं सुपर टेस्टर, ठीक है। उनके अंदर टंग में जो फंजी फॉर्म पैपिले है उसमें टेस्ट बर्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सुपर टेस्टर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाइफ इज़ पीटीसी नॉन टेस्टर, ओके। फिर बोला है हस्बैंड इज पीटीसी टेस्टर एंड देयर सन इज टेस्टर एंड डॉटर्स आर नॉट टेस्टर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार दिए हुए उसे देख के ही पता चल जाता है कि पीटीसी नॉन टेस्टर वाइफ है वो नॉन टेस्टर है, यानी ये वाइफ नॉन टेस्टर है, ठीक है। बाकी सब के अंदर, ये दोनों के अंदर टेस्टर दिखाया हुआ है और ये दोनों के इसके अंदर कैरियर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारा यही आएगा, फर्स्ट से ही पता चल जाता है कि वाइफ को क्या दिखाया हुआ है, नॉन टेस्टर, और ए ऑप्शन में ही दिखाया हुआ है। हस्बैंड पीटीसी टेस्टर यानी ये दिखाया हुआ है, सन इज टेस्टर, ओके, तो सन इज टेस्टर एंड डॉटर्स आर नॉन टेस्टर, डॉटर्स आर नॉन टेस्टर, तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेना, और ये जो टेस्टर है, ठीक है, सॉरी, जो नॉन टेस्टर है, नॉन टेस्टर बीटर का टेस्ट नहीं आता उनको, अगर पीटीसी का स्ट्रिप टंग के ऊपर रखा तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। अब स्टूडेंट्स, ये चार्ट से हमको डिसाइड करना है कि ये कौन सा ट्रेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि अगर पेरेंट के अंदर डिजीज़ नहीं है और अगर चाइल्ड के अंदर डिजीज़ आ रहा है ना, तो हमको रिसेसिव की ओर जाना होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों पेरेंट है वो रिसेसिव हो सकता है, ठीक है, दोनों पेरेंट वो रिसेसिव हो सकते हैं और उनका रिसेसिव कैरेक्टर इकट्ठा होके चाइल्ड के अंदर आ सकता है। तो अगर पेरेंट के अंदर नहीं है डिजीज़ और चाइल्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये पेरेंट के अंदर नहीं है और फर्स्ट जनरेशन के अंदर डिजीज़ आ रहा है, तो वो 90% रिसेसिव डिजीज़ होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो चलो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की बात की हुई है, यहाँ पे डोमिनेंट दिया हुआ है, तो वो अभी हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। वाई क्रोमोसोम का डिजीज़ ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो ये जो दोनों मेल है उनमें दोनों में डिजीज़ आता, तो इसमें एक में है और एक में नहीं है, तो वाई के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। और सी में दिया है सेक्स लिंक रिसेसिव, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर ले लेते हैं हम, इधर एक्स एक्स लेते हैं और यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक है, ये कैरियर है तो स्मॉल ए ले लिया, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स कैपिटल ए वाई, ठीक है, इसको डिजीज़ नहीं है। तो ये जो सन है उसमें एक्स स्मॉल ए वाई आ सकता है, यानी ये डिजीज्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो दूसरा सन है उसके अंदर एक्स कैपिटल ए वाई आ सकता है, यानी इसको डिजीज़ नहीं है, है ना। एक के अंदर एक्स स्मॉल ए वाई आया और दूसरे के अंदर एक्स कैपिटल ए वाई आ सकता है ना, तो उसको डिजीज़ नहीं है। और जो दोनों डॉटर है उसके अंदर एक एक्स कैपिटल ए तो आने ही वाला है, फादर में से एक्स कैपिटल ए आने ही वाला है, तो ये दोनों डॉटर में भी डिजीज़ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेट हो रहा है, कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम आगे जाते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 भी डाउट में आया हुआ है लेकिन वो पीछे है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन पेडिग्री इंडिकेट वेदर द शेडेड सिंबल्स इंडिकेट. अब ये शेडेड सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट रूल है ना वो याद रखना है, थंब रूल, पेरेंट के अंदर है और चाइल्ड के अंदर भी है. तो ये डिजीज डोमिनेंट होगा, ठीक है, उस हमको पहले डोमिनेंट के ऊपर ही जाना है. तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है स्टूडेंट्स की ये जो है मेल, ठीक है, उसको डिजीज है और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है ना वो सब सारे ऑफस्प्रिंग को डिजीज है. तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा. तो इधर मैं कैपिटल ए कैपिटल ए ले लेता हूँ, स्मॉल ए स्मॉल है ना, तो इसके दोनों डोमिनेंट जीन होंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल ए की ये यहाँ से और एक स्मॉल ए यहाँ से, तो सबके जीनोटाइप कौन से होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज ही होगा, ठीक है. हमको याद रखना है कि पेरेंट में है, ठीक है, पेरेंट में है और ऑफस्प्रिंग के अंदर फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज आ रहा है तो वो डोमिनेंट ही होगा, ठीक है. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि द डॉटर वॉज मैरिड टू अ नॉर्मल पर्सन, ओके, एंड देयर डॉटर हैड अ ट्रेट. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि डॉटर वॉज मैरिड टू नॉर्मल पर्सन एंड देयर डॉटर हैड ट्रेट, ठीक है. अब स्टूडेंट्स हमको ये जो ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन है ना उस हिसाब से पेडिग्री नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा जीनोटाइप सही है ना स्टूडेंट्स. तो चलो ट्राई करते हैं कि यहाँ से जो कैपिटल ए स्मॉल है इधर कैपिटल ए स्मॉल है, तो यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए आया हुआ है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर सही है. फिर इधर हम देखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल है ना. तो अब यहाँ पे ये जो चाइल्ड है ना उसके अंदर तो कैपिटल है, तो वो तो यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे जो नीचे सब चाइल्ड है ना उनके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ही आना चाहिए सबके अंदर, लेकिन यहाँ पे इधर स्मॉल ए दिया हुआ, इधर कैपिटल है, वो गलत हो गया. फिर यहाँ पे हम ट्राई करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी सारे चाइल्ड के अंदर कैपिटल ए स्मॉल ही आना चाहिए, यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक में ही दिया हुआ, तो ये सब गलत जीनोटाइप लिखे हुए हैं. फिर यहाँ पे स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल है और इधर कैपिटल ए स्मॉल है, तो यहाँ पे कभी भी कैपिटल ए इकट्ठा नहीं होंगे, है ना, क्योंकि दोनों पेरेंट में इसमें तो दोनों रिसेसिव है, तो कैपिटल ए इकट्ठा नहीं होंगे और इधर दिखाया हुआ है, तो ये तीन गलत हो गए, है ना. तो ए सेट हो रहा है, तो ए हमारा आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 11, इन फैमिली फादर हैड अ ट्रेट बट मदर डिड नॉट. ओके, फादर को ट्रेट है यहाँ पे एंड मदर को नहीं है. ऑल देयर सन्स एंड डॉटर्स हैड दिस ट्रेट, है ना, सन्स और डॉटर्स सबको ये ट्रेट है. द सेम ट्रेट वॉज फाउंड इन सम ग्रैंड डॉटर्स ऑल्सो, ओके, एंड दो डॉटर वर मैरिड टू नॉर्मल पर्सन्स, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये आगे जो क्वेश्चन आया ना वैसा ही है स्टूडेंट्स, पेरेंट के अंदर है और डिजीज चाइल्ड के अंदर भी आ रहा है, तो हमको डोमिनेंट की ओर ही जाना है. दूसरा कि यहाँ पे ये जो मेल है, ठीक है, मेल पेरेंट, उसके अंदर डिजीज है ना, और जो ये जो चाइल्ड है ना, पांच चाइल्ड है, वो सबके अंदर दिखाया हुआ है, तो हमको इधर जीनोटाइप कौन सा लेना है, कैपिटल है, और ये जो फीमेल है वो स्मॉल ए लेंगे क्योंकि उसको डिजीज नहीं है और डिजीज डोमिनेंट है, तो यहाँ पे कंपलसरी हमको स्मॉल ए लेना पड़ेगा. और सारे जो ये चाइल्ड है, पांच चाइल्ड की जिनको डिजीज है, सबका जीनोटाइप कौन सा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल ए डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, उसकी वजह से डिजीज हुआ है क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो रहा है, ठीक है. तो हम फादर कौन सा है, कैपिटल ए सही है, मदर स्मॉल ए सही है, और जो दूसरे हस्बैंड है, ये हस्बैंड है और यहाँ पे ये हस्बैंड है, दोनों में डिजीज नहीं है, तो वो स्मॉल ए होंगे, ठीक है. तो हमारा आंसर ए आएगा. चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, ओके, इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच ईयर लोब, ठीक है, अटैच ईयर लोब का इनहेरिटेंस दिखाया हुआ है.
टू द फ्री वंस. द स्क्वायर्स रिप्रेजेंट द मेल एंड सर्कल्स द फीमेल इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखने जाए ना तो वापस कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे डिजीज है, तो हमको कौन सा लेना है, रिसेसिव ही लेना है. ठीक है, रिसेसिव हम लेंगे. और तो रिसेसिव लेंगे तो यहाँ पे डिजीज आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक एलील प्रेजेंट होगा, तो ऐसी कंडीशन होगी. ठीक है, तो वाइलिंग ट्रेट, वाइलिंग अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है ना, कहीं पे भी ऑप्शन लिखा है वाई लिंक्ड ट्रेट, तो हमको क्या देखना है कि वाई क्रोमोसोम है वो यहाँ से फादर में से सन के अंदर पास ऑन हो रहा है. तो यहाँ पे तो डिजीज नहीं दिखाया हुआ है और वो कंपलसरी पास ऑन हो रहा है. ठीक है, फादर का वाई क्रोमोसोम सन के अंदर जा ही रहा है और एक्स क्रोमोसोम मदर से आ रहा है. ठीक है, तो इधर यहाँ पे डिजीज नहीं दिखाया हुआ है. अगर दोनों सन में डिजीज दिखाया होता ना तो हम वाई के बारे में सोचते कि हाँ दोनों सन के अंदर वाई क्रोमोसोम गया हुआ है और दोनों में डिजीज है, तो वाई ट्रेट हो सकता है. ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस. सही बात है स्टूडेंट्स कि पेरेंट्स हेट्रोजाइगस ही होंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक कैपिटल है स्मॉल है. ठीक है, और दोनों में से एक एक रिसेसिव एलील इकट्ठा होकर यहाँ पे डिजीज हुआ हुआ है. ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स. और दूसरा कि हमको ये याद ही रखना है कि ये जो फ्यूज्ड ईयर लोब है, ठीक है, अटैच ईयर लोब है ना, ईयर लोब यहाँ जुड़ा हुआ होता है, तो जो अटैच ईयर लोब है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, याद ही रख लेना है. ठीक है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लिख लेना, नोट कर लेना. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13. गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन सेक्स लिंक्ड ट्रेट इन ह्यूमंस. ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि द ट्रेट ट्रेस्ड इन अबव पेडिग्री इज. ओके, इसमें ट्रेट कौन सा है वो हमको ढूंढना है स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में. चलो तो देखते हैं, यहाँ पे जनरेशन 1, 2 और 3 दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड फीमेल है और ये दोनों अनअफेक्टेड है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वाई है कि नहीं है. वाई होता ना तो स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे मेल पेरेंट में है ना तो सबके अंदर डिजीज होता है, जितने भी सन है ना सबके अंदर डिजीज होता है, सन में नहीं दिखाया हुआ है. ठीक है, तो जो वाई ट्रेट है वो गया है ना, वो उसके बारे में नहीं सोचना है हमको. चलो, और वाई के अंदर डोमिनेंट रिसेसिव आता ही नहीं है क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक ही है. ओके, तो कोई भी जीन हो, अगर डिजीज वाला जीन है तो आगे और जनरेशन में होने ही वाला है. तब एक्स लिंक रिसेसिव एंड एक्स लिंक डोमिनेंट हमको ट्राई करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पेरेंट के अंदर डिजीज, जो पेरेंट है उनके अंदर डिजीज दिया हुआ है दोनों के अंदर. ठीक है, तो दोनों के अंदर डिजीज दिया हुआ है और हमको एक्स लिंक डोमिनेंट या रिसेसिव ढूंढना है. तो चलो हम ट्राई करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट पहले ये ऑप्शन ट्राई करते हैं. ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी आएगा, एक्स कैपिटल है वाई. ठीक है, और इनको भी डिजीज है तो एक्स कैपिटल है एंड एक्स स्मॉल है. ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि डोमिनेंट डिजीज है ना, तो एक डोमिनेंट जीन होगा तो उससे डिजीज होगा. अब नीचे यहाँ पे सन को डिजीज नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, सन में डिजीज नहीं है. यानी सन में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक्स स्मॉल ए आया हुआ है. ठीक है, और यहाँ से वाई आया, तो सारे सन में कौन सी कंडीशन आएगी, एक्स स्मॉल ए वाई. तो ये सन है उनके अंदर डिजीज नहीं होगा. ठीक है, और इधर फीमेल में डिजीज दिखाया हुआ है क्योंकि फीमेल में यहाँ से जो फादर है उसमें से कैपिटल ए दोनों फीमेल के अंदर जाने ही वाला है. एक्स कैपिटल ए यहाँ से आएगा और यहाँ से एक्स कैपिटल ए. ठीक है, फिर दूसरी बार यहाँ से एक्स कैपिटल है और यहाँ से एक्स स्मॉल है. तो जो दोनों डॉटर होंगे ना उसका ये जीनोटाइप हो रहा है. ठीक है, तो हमारा जो है एक्स लिंक डोमिनेंट वो सेट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप याद रख लेना कि दोनों को डिजीज है. ठीक है, दोनों को डिजीज है, दोनों पेरेंट को डिजीज है. ओके, तो और हाँ, दोनों पेरेंट को डिजीज है एंड
एंड जो फर्स्ट जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन, उसमें अगर मेल को नहीं है तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ, इन द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन हैंड पेडिग्री एनालिसिस इज गिवन टू, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हाथ दिखाया हुआ है और फिंगर 6 दिखाया हुआ है तो उसको हम पोलीडेक्टाइली बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पोलीडेक्टाइली है ना स्टूडेंट्स, वो याद ही रख लेना है, फिर कौन सा भी पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ हो, ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होता है ना। तो फिर आगे कुछ पढ़ने की, ये पेडिग्री चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इन द फिफ्थ चाइल्ड, है ना, तो फिफ्थ चाइल्ड मेल आएगा या फिर फीमेल आएगा, ठीक है ना। तो और ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो उसमें उसका एक्स एंड वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, तो चांसेस कितने आएंगे, 50% आएंगे, और सब में 50% ही लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ए होगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें हमको ढूंढना है कि ये कौन सा डिजीज है। स्टूडेंट्स वापस वाई लिंक यहाँ पे आया हुआ है, तो हमको चेक करना है कि सारे सन में डिजीज है कि नहीं है, सन में डिजीज नहीं है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वापस वो जो मैंने आपको आगे बोला वैसा ही, कि यहाँ पे मेल में है, ठीक है, और यहाँ पे डॉटर में है, ठीक है, तो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है ना, वो डॉटर में जा रहा है ना, तो ये एक्स लिंक डिजीज हो सकता है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले डोमिनेंट लिखा हुआ है तो वो ट्राई करते हैं कि जो फादर है उसमें एक्स कैपिटल है एंड वाई, एंड मदर के अंदर उनको डिजीज नहीं है, तो एक्स स्मॉल है, स्मॉल है, हम ले सकते हैं, है ना, डोमिनेंट डिजीज लिया हुआ है हमने इसलिए। तो अब स्टूडेंट्स दोनों जो डॉटर है ना, उसमें एक में एक्स कैपिटल है यहाँ से आएगा और एक्स स्मॉल है, ये दोनों सेम है, तो जो दोनों डॉटर है ना उनका जीनोटाइप ऐसा होगा, या जितनी भी डॉटर हो उनका जीनोटाइप ऐसा होगा, तो यहाँ पे तीन डॉटर दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों तीन को डिजीज है, यानी डॉटर का ये जीनोटाइप है, तो हमारा सही है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट ही डिजीज होगा, ठीक है। और जो मेल है उसमें डिजीज नहीं है, तो मेल में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से वाई आने वाला है और ये दोनों में से क्या आएगा, एक्स स्मॉल है, तो जितने भी मेल है उनका ये जीनोटाइप होगा, ठीक है, और फीमेल का ये होने वाला है, तो फीमेल को डिजीज होगा क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, और मेल में नहीं होगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड ब्लैक, ठीक है, म्यूटेशन हुआ है और उसमें डिजीज हो रहा है तो वो शेडेड ब्लैक है, ठीक है। जिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज, कौन सा जिन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टूडेंट्स पेरेंट में नहीं है और चाइल्ड में आया, तो इधर हम कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है लेंगे और चाइल्ड में स्मॉल है, स्मॉल है आएगा, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। ये आंख बंद के ट्रिक टिक करना है कि, और ये ट्रिक भी याद रखना है कि पेरेंट में नहीं है और चाइल्ड में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है द डायग्राम रिफर्स द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच सेक्स ऑफ फ्रूट फ्लाई शोन इन द डायग्राम, ठीक है। स्टूडेंट ये फीमेल है, दोनों एक्स क्रोमोसोम इधर दिखाए हुआ है, ठीक है, और ये मेल है, ये एक्स है और ये वाई है ना। तो हमको क्या बोला है, बाय विच नंबर ऑटोसोम इज लेबल्ड, तो ये सेकेंड नंबर से, ये तीन ऑटो, ये जो है ना ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ठीक है, तो टू आंसर आएगा। नेक्स्ट हमको बोला है स्टूडेंट द पेडिग्री रिफर्स टू द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच सेक्स ऑफ फ्रूट फ्लाई शोन इन द डायग्राम बाय विच नंबर वाई इज, तो वाई कौन से नंबर से दिखा हुआ, चार, ये फोर्थ, चार नंबर है वो वाई है, ठीक है, एक्स वाई और ये दोनों एक्स एक्स है ना। चलो नेक्स्ट, अ सेक्स लिंक एलील नेवर पासिस फ्रॉम, सेक्स लिंक्ड एलील नेवर पासिस फ्रॉम सेक्स लिंक एलील मैन टू हिज सन, तो स्टूडेंट्स अगर सेक्स लिंक्ड एलील ऐसा पूछा है, हाँ यहाँ पे एक्स एंड वाई क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है ना, तो हम एक्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक्स को कंसिडर करेंगे है ना। तो
तो हम मेल ले रहे हैं एक्स वाई एंड जो फीमेल है वो एक्स एक्स है ना। तो अगर उनका जो सन आ रहा है उसमें कंपलसरी वाई क्रोमोसोम आ रहा है और एक्स क्रोमोसोम किसका आएगा, मदर का आएगा, ठीक है। तो एक्स क्रोम सन के अंदर एक्स क्रोमोसोम कंपलसरी मदर का आ रहा है, ठीक है। तो मैन टू हिज सन ये कभी भी नहीं होगा एक्स क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। मैन का क्रोमोसोम सन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर वुमन टू हर डॉटर एक्स क्रोमोसोम जाने वाला है। मैन टू हिज ग्रैंड सन हम की बात करें तो इसमें जा सकता है क्योंकि मैन जो है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम उनकी डॉटर में गया और डॉटर का सन आया है ना। तो डॉटर का सन है तो उसमें एक्स क्रोमोसोम ये मैन का जा सकता है ना, तो वो पास ऑन हो सकता है, ठीक है। और वैसे ही वुमन टू ग्रैंड डॉटर्स वो पास ऑन हो सकता है, ठीक है। तो मैन टू हिज सन वो हमारा आंसर आएगा 23 में। 24 में हम बात करें तो दिस क्वेश्चन रिफर्स टू द आई कलर इन फ्रूट फ्लाई इन दिस सेक्स लिंक्ड ट्रेट द एलील फॉर रेड आई इज डोमिनेंट टू दैट फॉर वाइट आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि इफ़ अ रेड आई मेल इज क्रॉस्ड विथ अ वाइट आई फीमेल, ठीक है। रेड आई मेल और रेड कलर के लिए जो है वो कौन सा है, ये सेक्स लिंक ट्रेट है, ठीक है। और रेड आई डोमिनेंट है, सेक्स लिंक है एंड रेड आई डोमिनेंट है। तो हम ले लेते हैं एक्स कैपिटल आर रेड आई मेल, एक्स कैपिटल आर वाई और उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं वाइट आई, ठीक है। तो फीमेल हम एक्स स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। वाइट आई है यानी उसमें दोनों रिसेसिव ही होंगे। हम यहाँ पे आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो जो मेल है ना, मेल है उनके अंदर अगर इसके हम गैमेट्स बनाएं तो ये जो फीमेल है उसमें कौन से गैमेट बनेंगे, एक स्मॉल आर बनेगा और इसमें कौन से गैमेट बनने वाले, एक्स कैपिटल आर एंड वाई, ठीक है। तो एक्स स्मॉल आर वाई एंड एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो फीमेल है उसको कौन सी आई होगी, रेड आई होगी और जो मेल है उसको वाइट आई होगी, है ना। तो इसमें से सी ऑप्शन में वन रेड आई फीमेल एंड वन वाइट आई मेल, ठीक है। तो सी आंसर आ सकता है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, सो दिस क्वेश्चन रिफर्स टू द आई कलर इन फ्रूट फ्लाई इन दिस सेक्स लिंक ट्रेट द एलील फॉर रेड आई इज डोमिनेंट टू दैट फॉर वाइट आई, ठीक है। द क्वेश्चन रिफर्स टू द आई कलर इन फ्रूट फ्लाई, है ना। द सेक्स लिंक ट्रेट है यानी एक्स वाई क्रोमोजोम हमको लेने हैं, ठीक है। द एलील फॉर रेड आई इज डोमिनेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल ले रहे हैं, है ना। हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल यानी कैपिटल आर स्मॉल आर डोमिनेंट ट्रेट है ना, उसकी वजह से क्रॉस्ड विथ वाइट आई मेल यानी स्मॉल आर वाई के साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमको पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल ऑफस्प्रिंग विल बी वाइट आई, ठीक है। फीमेल में कितने परसेंट वाइट आई वाली होगी, तो चलो इसका पनेट बॉक्स बनाते क्या, एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर ऐसा हो रहा है, एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर फिर वाई एक्स कैपिटल आर एंड वाई एक्स स्मॉल आर, है ना। ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो हम ये फीमेल का हमने पूछा है, तो फीमेल दोनों में ये जो है इसका कलर कौन सा होगा, रेड होगा और इसका कौन सा होगा, वाइट होगा, है ना। तो 50% वाइट आई वाले आएंगे, तो आंसर हमारा सी आएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल, है ना। नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल बोला है, नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल, ठीक है। तो एक्स कैपिटल एच हम लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल है और जो मेल है वो हीमोफिलिक है ना, एल एक्स स्मॉल एच वाई, है ना, ऐसा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स की एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच ऐसा होगा, एक्स कैपिटल एच वाई एक्स कैपिटल एच वाई, ठीक है। तो दोनों जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है,
और फीमेल दोनों है वो कैरियर होगी, ठीक है। तो नॉर्मल मेल्स एंड कैरियर फीमेल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर सी आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस दिया हुआ है, वो ऑटो सॉरी वो सेक्स लिंक रिसेसिव है, याद रखना है हमको। तो एक्स कैपिटल सी नॉर्मल है एंड एक्स स्मॉल सी कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पूछा हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स ढूंढना है, ठीक है। इसके ग्रैंड पेरेंट ढूंढना है हमको, तो वाई तो आया होगा ग्रैंड फादर में से, सब में है, चलो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ एक्स स्मॉल सी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल सी उसकी मदर में से आया होगा, तो यहाँ पे स्मॉल सी का इसके अंदर है और इसके अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों में से हमको चेक करना है। अब इधर हम मदर की बात करें, ठीक है। तो एक्स कैपिटल सी आया हुआ है एंड एक्स स्मॉल सी आया हुआ है, ओके। यहाँ से एक्स कैपिटल सी आ सकता है और यहाँ से स्मॉल सी, ठीक है। और यहाँ पे तो स्टूडेंट स्मॉल सी है ही नहीं, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, है ना। तो आंसर हमारा सी आएगा, ठीक है।